हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, फिर आपकी बात सुनूंगा। तो हेलो दोस्तों, अरे और इसका जब पानी ख़त्म हो जाता है ना, तो अपने आप इशारे से बताती है कि भैया पानी कम हो गया। तो बिल्कुल, तो फिर से शूट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ, और वर्ग 3 से संबंधित आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड हमेशा जो भी अपडेट होती है वो आपके पास पहुंचाता हूँ। चूँकि दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट आए थे संस्कृत को लेकर, और आज संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ। बहुत से लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली थी, तो उसके भी क्वेश्चन निकल के सामने आए। संस्कृत में हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, आज का जो वीडियो है इसी पर है। आज एक और ख़ास बात रही कि पर्यावरण में जो है दोस्तों, वापस से जो है अंतरिक्ष के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो अंतरिक्ष भी आपको पढ़कर जाना है। कुछ मैं संस्कृत की बात करूँ, फिर हम गणित है आपका, इंग्लिश है, हिंदी है, उन सब की बात करेंगे कि किस हिसाब से अब चेंज हो रहा है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों जहाँ तक हम बात करें संस्कृत की, तो कथन से संबंधित एरर आ सकते हैं, यानी कि शुद्ध कथन कौन सा है। यानी आपको संस्कृत में ये दिया जा सकता है, चार जो है आपको कथन दे दिए और कहा कि इसमें शुद्ध कथन कौन सा है, ए सही है, बी सही है, सी। तो वहाँ पर संस्कृत की जो ग्रामर है दोस्तों, उसे आपको पकड़ना होगा। मैं सुबह की बात करूँ, सुबह की शिफ्ट में पर्यायवाची आए थे, गद्यांश आया था, वो अधिगम है, यानी कि अधिगम से संबंधित तो क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे भाषा वन हो और भाषा टू हो, है ना, दोनों में, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद संधि है, समास है, जो है इस तरह के क्वेश्चन आए थे। रचनाकार के नाम अब नहीं पूछे जा रहे हिंदी में, क्योंकि बीच में रचनाकार के नाम पूछे गए थे तो बहुत से भाई बहन याद करके गए थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है उसमें नहीं पूछे गए। और दृश्य और श्रव्य से संबंधित जो भी संस्कृत में आपके जो सिलेबस में है उसे अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि संस्कृत की जो शिक्षा शास्त्र है वो एक तो सरल आ रही है, लेकिन उस हिसाब से सरल नहीं कि हम बिल्कुल ही इजी मान लें, आप मीडियम मान सकते हो। तो ये चीज़ें तो दोस्तों आप पढ़ के जाएं। संधि है, लाकार है, पर्यायवाची है, जैसे कि सुबह ही विलुप्त का पूछा गया था। इसके बाद जो है श्याम को हम बात करें दोस्तों, तो आपके भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा के सिद्धांत, इन पर जो है शिक्षा शास्त्र पूछा गया है। श्लोक है और एक आपका गद्य है, वो बहुत शॉर्ट दिया जा रहा है, तो इससे लाभ ये मिल रहा है कि आंसर ढूंढने में सुविधा हो रही है। हम बात करें इंग्लिश में, अनसीन लेंदी दिया गया, तो वहाँ पर आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसी की में जो है ग्रामर पूछी गई। इंग्लिश की बात करें तो जो आपका अनसीन दिया गया उसी रिलेटेड ग्रामर, एक दो क्वेश्चन, और बाकी की अनसीन से, और जो पोइट्री भी आ रही है उससे रिलेटेड, और बाकी एक दो अनसीन से। तो इस तरह के दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा हम हिंदी की बात करें तो वहाँ भी जो है ग्रामर आ ही रही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ग्रामर नहीं आ रही, दो तीन क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, तो भिन्न, विभाजितता और प्रतिशत से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके सेकंड राउंड में, जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी और फर्स्ट शिफ्ट में, दोनों में पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये आपको जो है पढ़कर जाना है। हम बात करें आपके पर्यावरण की, पर्यावरण में जो है अब फिर से पोर्शन बढ़ने लगा है आपका आंतरिक्ष से, यानी कि मास से संबंधित। तो आर्यभट्ट, रोहिणी है, मंगल ग्रह, इसरो, ये सब दोस्तों थोड़ा देख के जाएं, खासकर इनके सन देख के जाएं, कौन सी ईयर में क्या हुआ। सन पूछ लिए जाते हैं, अब सन जो होता है वो गहराई वाला क्वेश्चन हो जाता है, वैसे तो बता सकते हैं, तो सन जरूर इनके पूछें। जैसे आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ, है ना, रोहिणी, मंगल ग्रह पे जो भी यान गए उन पे, चंद्रमा यान गए, है ना, तो उनके संबंध में लॉन्च की जो डेट है वो भी आपको, और व्हीकल जो भी हैं उनकी आपको मालूम होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यही आया। ज़्यादा कठिन तो हम नहीं कहेंगे भाषा वन या भाषा टू को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इसी में आपके नंबर आ रहे हैं। गणित की बात करें दोस्तों, समीकरण है, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आया है, और क्षेत्रफल पढ़ के जाए, विभाजिता से संबंधित, प्रतिशत से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आयु से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आयु से संबंधित भी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के जाए, समीकरण को अच्छे से समझ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, सेकेंड शिफ्ट की बात करूँ। संस्कृत जो है
ना हम इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ तक ग्रामर है, या मैं वाक्यों की बात करूँ कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो वहाँ पर जिसकी ग्रामर अच्छी होगी ना, वही उस गलती को ढूंढ पाएगा, है ना। तो वो आपको पढ़ के जाना है। और बस एक भाई ने शायद कमेंट किया था कि सर बाल विकास, बाल विकास दोस्तों आप हो सके तो वर्ग दो का बाल विकास अभी डले हुए पेपर, और यदि आप पे हो तो उन्हें देखें। और सी टेट का थोड़ा सा सीधा सिद्धांत रहता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, लेंदी क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे पूछते हैं, आंसर मिल जाता है। लेकिन व्यापम का क्या रहता है, पीएबी का, कि घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की यह है कि जो पूछ तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं, इसलिए बाल विकास में थोड़ी सी परेशानी आ रही। तो बाल विकास को भी थोड़ा नॉर्मली पढ़ लें। अब यहाँ पर हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और मैथ, ये तीन चीज़ों में। बाल विकास जो है एवरेज आपको नंबर देगा, और सबसे ज़्यादा जो नंबर कम हो रहे हैं वो तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टफ आ रहा है। यहाँ पर स्कोर कम आ रहा है तो इससे आप दुखी ना हो, क्योंकि स्कोर कम आ ही रहा है। कारण ये ही है कि एग्ज़ाम टफ है तो स्कोर कम होगा ही, आपका ही नहीं सभी का ही है। जितना सोच कर जाते हैं उससे कम हो जाते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होते हैं। लेकिन यदि सबका ही स्कोर कम रहेगा तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी नीचे आएगी। और दूसरा ये है कि इसमें पोस्टें ज़्यादा आएंगी तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, और जो हमारी चिड़िया है उसको मैं पानी रखने जा रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे सुन ही रहे हैं कि लगातार आवाज़ उनकी आ रही। तो बस दोस्तों यही है, और बेस्ट करें, डीमोटिवेटेड ना रहें, उत्साहित रहें। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि जो प्रश्न हैं उन्हें आंसर सहित आपको समझा सकूं। उसके आसपास जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कि जो भी आपका पाठ्यक्रम उसके आसपास के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि ला सकूं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपने वो प्रश्न देख लिए, आपके माइंड में बना रहा हो, वो प्रश्न आ गया तो एक नंबर का सीधा फायदा है। तो कोशिश मेरी यह रहेगी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं उनके आसपास क्या और पूछ सकते हैं, और आप भी यही कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आसपास क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दें और व्यवहारिकता पर ज़्यादा ध्यान दें। रटने की आवश्यकता नहीं है, खासकर मैं बाल विकास की बात करूँ, व्यवहारिकता, शिक्षा शास्त्र की बात करूँ, व्यवहारिकता पर ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें तो डेफिनेटली हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग मैथ को लास्ट में ले जा रहे हैं, या आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है उसके जो अनसीन है गद्दांश पद उसे एंड में ले जा रहे हैं, जबकि उसी में से आंसर ढूंढना है। फिर वो टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वो अंदाजे से लगाते हैं, अंदाज़ा गलत हो जाता है, जबकि वो उसी में से आंसर देना है। तो वो पहले कर लो, वो पहले आप कर लो, फिर बाद में जो भी, जैसे कि आपका जो पर्यावरण है उसे हम बाद में हल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक लगाना है। अब मैथ है उसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में जो भी अनसीन है गद्य पद्य है उनमें से आंसर देखना पड़ेगा, तो उसमें समय लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी यहाँ पे खासा रोल है दोस्तों, तो उसका भी ध्यान रखें। और जो मेरा वीडियो देख रहा है, भगवान करे कि उसकी मेहनत सफल हो जाए, उसे नियुक्ति मिल जाए। तो ये वीडियो सही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।